वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सच का सारथी। नमस्कार, वीके न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। शादी कितना पवित्र और जन्मों का रिश्ता होता है ये आप सबको पता है। शादी करते समय दो लोग आपस में जन्मों तक साथ निभाने की कस्में खाते हैं और किसी भी परिस्थिति में एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे, ऐसा कहते हैं। लेकिन शराब और नशे की लत वो सब कुछ करवा देती है जिससे ये सारी कस्में भी धरी की धरी रह जाती हैं और कभी कभी इसमें खेल कर जाता है कोई बाहर वाला। अब एक ऐसा ही मामला मैनपुरी से सामने आया है जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। जी हाँ, करल थाना क्षेत्र के तहसील परिसर में रहने वाली प्रीति ने अपने पति के ही सामने शपथ पत्र देकर तहसील परिसर में अपने प्रेमी के गले में वरमाला डाल दी। ये देखकर पति भी हैरान रह गया। दरअसल प्रीति की शादी कुलदीप से करीब 13 साल पहले हुई थी और उन दोनों के 3 बच्चे भी हैं। लेकिन प्रीति अपने पति कुलदीप की नशे की आदि होने से बेहद परेशान थी, इसलिए वो 2 साल से अपने मायके में ही रह रही थी। जी, आपका नाम? अच्छा, आप लोगों ने शादी की है यहाँ पर आकर के अपने पति को छोड़ के? हाँ जी। ऐसी क्या स्थिति बन गई जो आपने इसको छोड़ करके दूसरी शादी की? ये दारू पीते थे, गांजा पीते थे, मतलब खर्चा पानी नहीं दे रहे थे, 2 साल में अपने घर पे रहे, मजबूरी में कर लिया। इसके बाद पति ने बताया कि प्रीति उसके साथ नहीं रहना चाहती थी और उसे सारे बयान उसके खिलाफ कर दिए थे, इसलिए अब वो कर ही क्या सकता है। आपका नाम क्या है? कुलदीप। अच्छा, आज आपकी पत्नी ने यहाँ पे शादी की है, एक दूसरे को माला डाली, क्या है पूरा मामला? अरे यार, कैसे कैसे एक दूसरे की राजीवाजी है साहब। तो आपने अपनी पत्नी को छोड़ दिया? फिर क्या करें साहब, बयान उल्टे कर दिए, बयान उल्टे कर दिए साहब, नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे। आपको बता दें, महिला का प्रेमी उसके ही गांव का रहने वाला है और वो उसका मुंह भोला देवर लगता है। पति अपने शराब की नशे में रहता था तो प्रीति और उसका प्रेमी प्रदीप दोनों एक दूसरे से मिलने लगे और इस बात की भनक पति को भी नहीं लग सकी। मामले पर प्रेमी ने बताया कि हम एक दूसरे को चाहते थे, वह अपने पति से परेशान थी और वह मुझसे शादी करना चाहती थी, मैंने भी हाँ कर दी, इसलिए आज हम साथ हैं। ये हमारा रिलेशन में जो थोड़ा वो हुआ है, लोगों ने उधर से इधर क्या ये राजी हमारे लिए निकली हुई तो रिलेशन। प्रीति और प्रदीप ने कुलदीप के ही सामने एफिडेविट देकर तहसील परिसर में शादी कर ली और बात की चर्चा जब से इस तहसील में हो रही है तब से सब लोग यही चर्चा कर रहे हैं कि ये क्या हो गया। हालांकि महिला अपने प्रेमी पति के साथ अपने पहले पति को छोड़कर प्रेमी के घर वहां से चली गई। इस खबर में इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज।